अनूप गोयल, स्किन स्पेशलिस्ट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह वेबिनार सफल नहीं हो सकता। समस्त महाविद्यालय परिवार, आप सबका बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से महाविद्यालय परिवार के लिए समय निकाला है। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनूप गोयल हिसार शहर में 7 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अनूप गोयल का चिकित्सालय छाबड़ा हॉस्पिटल के सामने ऋषि नगर नजदीक बस स्टैंड हिसार में है। वेबिनार के सभी प्रतिभागी डॉक्टर अनूप गोयल से एक बार ओपीडी में मुफ्त परामर्श ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं डॉक्टर अनूप गोयल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना वक्तव्य जारी करें। डॉक्टर अनूप गोयल। यस सर, यू कैन कंटिन्यू सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर सुन रहे हैं आपको सर। हाँ जी सर। हेलो अनूप सर, सुन रहे हैं हम आपको। सर थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत है सर, इको हो रहा है वॉइस में। अच्छा, वीडियो आ रही है, ठीक है। हाँ सोनिया, हाँ जी मैम, हेलो सोनिया, अपनी आवाज नहीं जा रही सर के पास। सर की आ रही है मैम अपने पास। मैं उनको बोल देती हूँ कि वो अपना जारी रखे, ठीक है, हाँ जारी करें। जी मैम। हेलो भैया, आप ना अपना शुरू कर दो, आप अपना शुरू कर दो, हमें आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो सोनिया, सोनिया, मैम। हाँ जी हेलो मैम। हाँ जी मैम। किसी सोनिया, अपनी आवाज किसी के पास नहीं जा रही के अपने यहाँ पास से। हाँ, क्योंकि औरों ने भी, घर में भी कईयों ने लिंक कर रखा है ना, ज्वाइन कर रखा, आवाज किसी के पास नहीं जा रही। मेरे पास तो आ रही है दीदी आपकी। हाँ मेरे पास भी आ रही है, कोई वो तो नहीं है, गड़बड़ पुष्पा तो नहीं है दीदी, मेरे। आप पुष्पा दीदी, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब की नहीं आ रही है? मेरी आ रही है हाँ मैम डॉक्टर सीमा साहब मैम। आ रही है आपकी पुष्पा दी। मैम हाँ अब भैया आई आपको आवाज हमारी। यहाँ कॉर्नर में ऑडियो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने से आवाज आएगी। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। बेटा भावना आप। हाँ जी मैम। मैं बात करूं डॉक्टर साहब से, बात करूं दोबारा? सोनिया मैडम, सोनिया मैडम, दोबारा हाँ जी मैम। हाँ आप बात करो डॉक्टर साहब से। हेलो हेलो। सर सर ने शायद बाहर चले गए, करीब दोबारा से आएंगे। सर दोबारा से रिज्वाइन करेंगे मीटिंग को। अच्छा बच्चों को तो आवाज आ रही है, बच्चे मैसेज कर रहे हैं।
अच्छा बच्चों को आ रही है, सर के पास नहीं आवाज पहुंच रही, क्या बात है पता नहीं। सीमा, सीमा मैम के पास सभी सभी को आ रही है। हाँ जी हाँ जी, घर में भी ज्वाइन कर रखा है ना, घर में भी बेटी ने ज्वाइन कर रखा है, वो कह रही उसको भी नहीं आ रही आवाज। या तो मैम उनका जूम का जो वर्जन है ना पुराना होगा, जैसे पहले दिक्कत हुई थी ना, जो दोबारा से उनको रीइंस्टॉल करेंगे उसको। अच्छा जूम दोबारा से वो करेंगे। यस मैम सर आ गए हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं दोबारा तो बोलने की जरूरत नहीं है ना मेरे को? नहीं नहीं मैम थैंक यू नहीं। हेलो, हाँ जी सर, अनूप सर, सर आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी सर, हेलो हेलो अनूप सर, हेलो हेलो अनूप सर, हेलो हेलो सर ने शायद फिर से हेलो लीव कर दिया सर दोबारा से। हेलो अनूप सर, आपने अनम्यूट कीजिए। हेलो सोनिया, शायद 100 से ऊपर हो गए हैं बच्चे। नहीं सर, आ चुके हैं, आ चुके हैं, फिर ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है आपके? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी? जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, सर हाँ जी, सुन रहा है हमें, सुन रहा है सर। सर सुन रहा है, सुन रहा है सर। यस यू कैन कंटिन्यू सर। अनूप सर, एम आई ऑडिबल? हेलो अनूप सर, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी सर, हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है, बीच में कट कट के आ रही है सर, क्लियर नहीं है वॉइस आपकी। हेलो अनूप सर, हेलो सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर ना। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। हेलो हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? जी
हेलो हेलो हाँ निशा जी हाँ सर की आवाज आ रही है क्या सर अब सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हम शायद कोई ना मैंने बच्चों को बोला है कि वेट करें हाँ जी सभी मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 5 से 10 मिनट लगेंगे। प्लीज कोई भी मीटिंग को लीव नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है? बहुत इजीली तरीके से आप लोग वन बाय वन अपने डाउट्स ले लेंगे, पूछ लेंगे, बस डेकोरम बना के रखेंगे और जो पूछ रहा है उसके अलावा सारे बच्चे माइक को ऑफ रखेंगे, है ना? तो कोई भी मीटिंग को लीव नहीं करेगा, है ना? और जो बच्चे यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो यूट्यूब पर कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि जब तक सर ज्वाइन नहीं कर लेते कोई भी मीटिंग को लीव ना करे। मेरी आवाज सुन रही है सभी को? हेलो, यस मैम। हाँ तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है मीटिंग को लीव नहीं करेंगे विद इन 5 और 10 मिनट्स। डेफिनेटली सर हमारे बीच में होंगे और बहुत अच्छे से वो आप लोगों के डाउट्स लेंगे। तो इतने बल्कि अपने सोच के रखें लेकिन वन बाय वन पूछेंगे, बहुत ही समझदार हैं। माइक को बंद रखेंगे जब सर जवाब दे रहे हैं, है ना? यस मैम। चलिए और मीटिंग के बीच में ही बेटे लास्ट में आप लोगों के लिए फीडबैक लिंक आएगा, प्लीज भूलना नहीं है, सभी ने उसको फिल भी करना है, ठीक है? ये किसी बच्चे के बीच में साउंड आ रही है, प्लीज इस चीज पर आप लोग ध्यान दें, हाँ, कि अपना माइक आपने बंद रखना है जब सर बोल रहे होंगे, है ना? Thank you.
Hello. जी पुष्पा मैम पहुंच गया क्या? अनिल को भेज दिया मैंने, अनिल गया है अभी। इतने मैम अभी आए नहीं अनिल से। हाँ लिंक भी भेज दिया मैंने अनिल को। हाँ मैसेज तो सीन कर लिया है अनिल ने लिंक वाला। अच्छा सीन कर लिया। हाँ जी हाँ जी। कभी पहुंच नहीं वाला होगा। हाँ जी हाँ जी। नहीं मैंने बच्चों को बोल दिया ना वो मीटिंग में ही है, कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी से अनिल से अभी पूछने की तो जरूरत नहीं है ना कि कहाँ निकल लिया कि देख एक कॉल कर ही लो दीदी सब अनिल अनिल को करते हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं दीदी। डॉक्टर साहब आ गए हैं। आ गए? हाँ अच्छा। मैंने देखा है ज्वाइन किया हुआ आ रहा है उनका। एक बार बोलूं। हेलो हेलो सर। हेलो मैम सर के फोन में थोड़ी सी इको ज्यादा है, एक बार अनिल को पहुंच जाने दो, 2 मिनट का वेट कर लेते हैं, आज पहुंचने वाले हो सर। ठीक सर आप वाले में इको ज्यादा हो रही है सर, आवाज क्लियर नहीं है बच्चों के लिए। अनिल पहुंच गए। हेलो अनिल सर आप अपने वाले से करवा दीजिए सर को, आप वाले फोन से करवाइए कनेक्ट। नहीं आवाज नहीं क्लियर नहीं है सर। मे बी ना बिल्डिंग जो है वो बहुत अंदर की तरफ है ना, दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से हो रहा है। मास्क हटा के बोलने एक बार शायद आ जाए। अनिल मास्क हटा के ट्राई कर ले। सर आवाज नहीं आ रही, सर के फोन में दिक्कत है, आप अपने वाले फोन से करवा दीजिए। अनिल सर लेट हो रहे हैं मीटिंग में। हेलो अनिल सर आप अपने वाले से ज्वाइन करवा दीजिए, थोड़ी देर वहां बैठ जाइए। अपने वाले से ज्वाइन करवा लो और एक बार मास्क हटा के सर को बोलो, एक बार मास्क हटा के बात करो जिससे कि क्या आप तक क्लियर आ जाए आवाज। अनिल सर आप अपने वाले से ज्वाइन करवा दीजिए प्लीज। हेलो हाँ अनिल मैं कह रही थी आप अपने वाले से ज्वाइन करा दो एक बार और सर को बोलो कि सर एक बार आप मास्क हटा के बोल के देखो क्या पता आवाज क्लियर आ जाए। आप अपने वाले से ज्वाइन करा दो, अपने वाले से ज्वाइन करा दो, थोड़ी सी देर की बात है ठीक है। आप अपने वाले से करवा दो, फटाफट करा दो, लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है।
हेलो हाँ जी सर अब आ रही है आवाज हाँ अब साफ है सर काफी मैं कैसे नेट की प्रॉब्लम है सर वहाँ पे अंदर आ नहीं रहा सर के पास नेट पूरा तरह कवर नहीं हो रहा चलो मैं बोला आप अपने फोन से करवा दीजिए ठीक है आपके नाम से होगा ना अनिल के नाम से मैं सर्च कर लेती हूँ हाँ जी हाँ जी आगे सर आप मैं आपको फोन बना रही हूँ सर को दे दीजिएगा आ रही है मेरी आवाज अनिल सर आपके पास सर का बंद कर दीजिए आ रही है क्लियर है हाँ जी हाँ अब आप अपना फोन सर को दे दीजिए आप ठीक है ओके सर स्टूडेंट प्लीज आवाज नहीं करेंगे वेलकम अगेन सर गुड इवनिंग मैडम यस गुड इवनिंग सर सर नाउ यू कैन कंटिन्यू यस सर यस मैडम थैंक यू सो मच यू वेलकम सर गुड इवनिंग एवरीवन दिस इज डॉक्टर अनूप गोयल हेलो यस सर यू आर ऑडिबल यस थैंक यू निशा मैडम myself Dr. Anoop Goyal I am a skin specialist in Hisar I am practicing here since last 7 years madam so I am here to discuss about any skin problem during adolescent and I will be happy to receive any questions from the audience and would be very obliged to solve the queries hello yes sir madam since we have lost lots of time so I'll be ready to take questions from the audience okay then that doesn't matter about the time you can okay. continue about haan ji sir theek hai madam to continue sir see, madam. Aap continue kar lijiye koi dikkat nahi hai sir theek hai madam okay. so madam now basically talking about our skin hygiene to sabse bada kami hame kya dikhai diya hai madam is garmi ke mausam mein pani ki kami hame prashast matra mein pani lena chahiye हरी सब्जियां नींबू आंवला टमाटर हमारी डाइट में ज्यादा होना चाहिए तला हुआ मिर्च मसाले चाय बिल्कुल डाइट में कम करें डेली नहाएं मैडम आज जो कपड़े पहने हैं अगले दिन बदलने चाहिए कपड़े हमेशा धो के और आयरन करने चाहिए हमेशा आयरन जरूर होना चाहिए कपड़ों पर कपड़े हमेशा धूप में सूखे हुए होने चाहिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा टॉवल साबुन कोई भी शेयर ना करे जी मैडम रही बात एडोलेसेंट मैं अब एडोलेसेंट की बात करते हैं इस उम्र में सबसे ज्यादा कॉमन है एक्ने पिंपल्स एक मिथ क्या होता है मैडम कि पिंपल्स को बच्चे क्या करते हैं फोड़ लेते हैं फोड़ने से ये पिंपल्स और ज्यादा निशान छोड़ देते हैं चेहरे पर तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए मैडम पिंपल्स तो उम्र के हिसाब से आएंगे और जाएंगे पर इनको जितना आपने टच करेंगे उतना इसको खराब करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए मैडम पिंपल्स को बिल्कुल भी टच ना करें पानी ज्यादा अगर ज्यादा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए सो नाउ व्हाट वी डू इज दैट वी स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस मैडम स्टूडेंट्स If you have any queries, hello. You can take one by one. Yes. Hello. Yes. Hello. बाकी सब students अपना sir मेरी doctor मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. Yes, please. हाँ जी sir मैं भावना बोल रही हूँ रेवाड़ी से. Yes. Yes, भावना जी. हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आजकल हाथ में उंगलियों में ना इन्फेक्शन होने लग गए पानी की वजह से तो okay, सर कैसे कर सकते हैं मैडम मेन अभी इस मौसम में पानी साबुन और ये अपना सैनिटाइजर से ज्यादा हमने अभी दिखाई दे रहा है कि हाथों में एलर्जी काफी नजर आ रही है इसका प्रमुख कारण क्या होता है मैडम जी इसका प्रमुख कारण क्या हो रहा है मैडम अपने बार बार हाथ धोए जा रहे हैं हाथ तो धोना ही है पर साथ में हाथ को मॉइस्चराइज भी करना है जैसे बहुत सारा हाथ धोने के बाद बहुत सारा नारियल तेल लगाएं या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं डॉक्टर से बात हो रही है
हेलो हाँ जी सर, हम जैसे उसके ऊपर डिटॉल भी लगा रहे हैं और पानी के अंदर गर्म पानी में नमक डाल के वो डाल गर्म पानी में नमक और सिरका डाल के मैं सिकाई करती हूँ। फिर उसके बाद रात को डॉक्टर के इलाज में ना 6 महीने करवाया, पीछे दवाइयां भी खाई और ट्यूबे भी 2-3 तरह की है ना, मुझे दबी भी रखी है मेरे पास, मुझे फिर दोबारा हो जाता है। अब मैं देसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर ले रही हूँ। मैडम उसमें मैं एक चीज आपको टोकना चाहूंगा, कभी भी नमक प्रयोग ना करें मैडम, स्किन में नमक प्रयोग ना करें। अच्छा जी जी मैडम, अगर आपको हाथ अगर वॉश करने हैं, डिटॉल प्रयोग ना करें, नमक प्रयोग ना करें। और क्या करें जी मैडम? सिंपल सोप इज बेटर देन एवरीथिंग। डॉक्टर एक ये डिटर्जेंट जैसे कपड़े धोते हैं वो भी अवॉइड करें कि उसे ना धोया करें आजकल? मैडम डिटर्जेंट तो यूज होना ही है, बट हम क्या रेकमेंड करते हैं कि दस्ताने डाल के आप कपड़े धोएं। ये हाउसहोल्ड हाउसवाइफ्स ग्लव्स आते हैं मैडम, विच आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सस्ते होते हैं। हमें वही प्रयोग करके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, जो भी है वो पहन के ही करना चाहिए। और जब अपना काम खत्म हो जाए, डॉक्टर और एक बालों में भी थोड़ा इन्फेक्शन भी चल रहा है, बालों में भी इन्फेक्शन हो रहा है, खारिश होती रहती है लगातार, बल्कि हेड वॉश भी हम करते रहते हैं और इससे हेयर फॉल मतलब डेली करती है। इनसे हेयर फॉल भी हो रहा होगा मैडम? हाँ जी, हाँ जी सर जी मैडम। इसका प्रमुख कारण हम क्या मानते हैं कि चमड़ी में, सिर की चमड़ी में खुश्की, इसको दूर करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं नारियल तेल की मालिश। मालिश से क्या होता है मैडम, जो अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बालों पे वो इम्प्रूव हो जाता है, बालों पे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार नारियल तेल की मालिश करनी चाहिए। और मेरे से पूछता 99+13 क्या होता है डॉक्टर? गुनगुने तेल से करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे तेल है उसी से कर ले मालिश? नहीं मैडम, हमें नहीं समझ में आया, कैन यू बी लिटिल लाउडर प्लीज। थोड़ा गुनगुना करके तेल गरम करके मालिश करें, या सिंपल जो घर में तेल है उसी से वैसे कर ले मालिश? एनीथिंग व्हिचएवर यू लाइक, बट वी ओनली रिकमेंड कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे फेस में है ना बहुत सारी फुंसियां हो जाती है, तो उसका रीजन बताइए किस लिए होती है? सॉरी बढ़िया, आई कुड नॉट हियर यू, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरे फेस पे फुंसियां हो जाती है, वो किस लिए हो जाती है ये बताओगे आप? जी गुड़िया, आपकी एज कितनी है? 21। यस गुड़िया, समझना ऐसा है, दुनिया के हर किसी बच्चे को इस उम्र में फुंसियां होनी है, किसी को कम किसी को ज्यादा, समझ गए? इसका प्रमुख कारण हार्मोनल होता है मैम। गुड़िया, तो फुंसियां तो आएंगी और जाएंगी, अपने अगर इसको टच करेंगे तो निशान छोड़ेंगी। अगर फुंसियां बहुत ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से इमिडिएटली जल्द से जल्द मिलें, ताकि अपना चेहरा खराब ना हो। उम्र के बारे में बात करें मैडम, इसको टच ना करें, सुबह शाम चेहरा साफ करें, बालों में तेल कम लगाएं, चेहरे पर क्रीम कॉस्मेटिक कम यूज करें, पानी प्रशस्त मात्रा में पिएं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं और ऑयली और स्पाइसी चीजें कम रखें। ओके सर, थैंक यू खुशी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीक्षा, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। सर आई वांट टू नो अबाउट कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और इस वजह से मेरे स्किन पर बहुत ज्यादा व्हाइट हेड या ब्लैक हेड्स के लोग हो जाते हैं, तो ऑयली स्किन को कैसे कम करें, या फिर इनके जो निशान रह जाते हैं उसको? जी गुड़िया, जैसे कि मैंने अभी पहले खुशी को भी बताया कि इस एज में ऑयली रहना, ऑयली की वजह से ही पिंपल आना और पिंपल को बार बार टच करने से निशान रहना, तो अपने को पिंपल्स तो आएंगे जाएंगे जैसे हमने पहले भी बताया, पर आप इसको टच ना करें, टच करने से ही फुंसियां रहती है गुड़िया। जैसा मैं देख रहा हूँ आपका बहुत ज्यादा ऑयली फेस है, आप कम से कम 2-3 बार चेहरा साफ करें, बालों में तेल कम लगाएं और पानी ज्यादा पिए गुड़िया, और जो निशान जितने आपके चेहरे पे बने हुए हैं ये निशान बार बार टच करने से बने हैं गुड़िया, कोशिश करें कि इसको आप टच ना करें।
सर मैं बालों में तेल तो कम ही लगाती हूँ जितना हो सके, बट मेरे बाल बहुत रफ है ना तो मुझे लगाने पड़ता है तेल और वो फेस पे उतर जाता है। जितना उतना ही लगाएं जो जितना अपने बालों पे रहेगा, ऐसा ना करें कि वो चेहरे पर निकल आए। नमस्कार डॉक्टर, टच ना करें गुड़िया। नमस्कार डॉक्टर, मुझे एकेंसोसिस के बारे में पता करना था कि एकेंसोसिस जो है वो क्योरेबल है क्या? सॉरी मैडम, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। एकेंसोसिस के बारे में पता करना था कि क्या ये क्योरेबल है एकेंसोसिस? मैं नहीं समझ पाया मैडम। एकेंसोसिस द स्किन प्रॉब्लम? नहीं मैडम, नहीं समझ पाया, कैन यू रिपीट प्लीज। I will write on the chat box. Yes, madam. Yes, madam. One question from my side. Yes, madam. What is the reason of pigmentation? Pigmented skin. Yes. Very good question, madam. This is a very very common problem, madam. अपनी चमड़ी क्या? किसी की चमड़ी धूप से लड़ने में सक्षम नहीं होती, धूप से लड़ने में कमजोर होती है, तो अपने बचाव में काली परत बना लेती है। तो उसका बचाव मैडम, सबसे जरूरी चीज पिगमेंटेशन में कि धूप से बचाओ, लाइट से बचाओ। जब भी बाहर निकले, चेहरा ढक के निकले, अच्छा सनस्क्रीन लगाएं मैडम। अगर अपना कंप्यूटर के सामने काम है तो कंप्यूटर के सामने स्क्रीन यूज करें और अच्छे मात्रा में सनस्क्रीन, दिन में कम से कम 2 बार सनस्क्रीन प्रयोग करें। किस तरह का सनस्क्रीन लगाएं सर, मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हिच टाइप ऑफ सनस्क्रीन? में नंबर्स होते हैं, जैसे वी कॉल इट SPF। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर मैडम। सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15, 30, 45, 50 करके मार्केट में इजीली अवेलेबल है। वी रेकमेंड SPF 15 टू बी यूज ट्वाइस अ डे मैडम, दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, सुबह नहाने के बाद एंड रिपीट आफ्टर 3 आवर्स विदाउट वॉशिंग योर फेस। दैट विल कवर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सन रेज। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर मैडम। यस सर, डेफिनेटली। और हैट, कैप मैडम, जो छज्जे वाली कैप होती है, जब भी अपने बाहर जाएं छज्जे वाली कैप यूज करें और चेहरा ढक के रखें। ओके सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कमिंग टू सीमा मैडम अगेन, एकेंसोसिस के बारे में बात करते हैं। सीमा मैडम, कैन यू हियर मी? सबसे प्रमुख कारण मैडम ओबेसिटी। नंबर 1 इट इज ओबेसिटी। ओके सर। नंबर 2 इट कुड बी बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। तो हमें सबसे पहले उसका रीजन फाइंड आउट करना है, एकेंथोसिस का कारण क्या है, किस एज ग्रुप में है मैडम। सो कैन आई गेट लिटिल बिट ऑफ डिटेल मैडम, एकेंथोसिस किसको है? यस, इट इज टू माय सन एंड ही इज 18 इयर्स ओल्ड एंड ही हैज दिस प्रॉब्लम। ही हैज नाउ रिड्यूस्ड हिज वेट टू 5-7 kg एंड नाउ द लेवल इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट बट इट इज नॉट कंप्लीटली रिकवर्ड। Hello, can you hear me, doctor? Am I audible? Sorry, madam. Age कितना है madam? 18. Age कितना है? 18 साल. Is he little overweight, madam? He is 66-67. तो हम क्या मानते हैं मैडम एकेंथोसिस के बारे में? इट इज अ सिंपल आंसर कि अगर 1 kg वेट लूज होता है तो 10% एकेंथोसिस रिमूव हो जाता है, 10 kg जाता है तो 100% एकेंथोसिस रिमूव हो जाता है मैडम। सो एकेंथोसिस का ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, आपको खुद को करना है, फाइंड आउट द कॉज एंड रिड्यूस द कॉज। ये सब वेट रिड्यूस करने से वो कम हो रहा है, लेकिन कितना कम करें वेट की वो मतलब टोटली क्या वैनिश हो जाएगा? तो मैडम व्हाट आई फील, एकेंथोसिस जैसा हमने सिंपल रूल बताया कि 1 kg वेट लूज करने से 10% एकेंथोसिस कम हो जाता है। हां जी सर, थैंक यू। एकेंथोसिस को ही हैज IgE लेवल इज आल्सो टू मच।
his IgE level. Again. Is it there any connection in between these two? So any connection between acanthosis and IgE level? That has to be controlled. Any connection in between IgE level and acanthosis? No, madam, I could not get you. Sorry. I will write in the chat box, sir. Okay, madam. Okay. By that time, we take another question. Good afternoon, sir. Good afternoon, Bhavna. सर मेरी एक फ्रेंड है और उसके ना बाल काफी अच्छे थे, तेल भी लगाती थी, मालिश भी करती थी, बट अब उसके ना बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग गए हैं, स्पेस खाली खाली हो रहा है ब्रेन, मतलब सिर पे अलग से दिखता है खाली खाली स्पेस. ओके गुड़िया, जिस हिसाब से आप बता रहे हो यानी उस हिसाब से बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कारण क्या रहा. इसके बहुत सारे कारण होते हैं गुड़िया. आपकी एज में व्हाट कुड बी हर एज मैन गुड़िया? 18 years. तो इस एज में हम सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या मानते हैं? इट कुड बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. ठीक, डाइट में कुछ डाइटिंग वगैरह एक्सेसिव ना चल रही हो, हरी सब्जियों की कमी हो. सेकंड रीजन कुड बी स्ट्रेस. तो हम उनसे मिलना चाहेंगे, मिलके जो भी सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम उनको देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो यस भावना जी. हाँ जी डॉक्टर, एक क्वेश्चन और है मेरा. एक्चुअली शरीर पे ना सर मस्से हो गए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. तो कहाँ पर हो रहे हैं मैडम? सर डॉक्टर गर्दन पे है और फेस पे है. ठीक है मैडम, सबसे पहले अपने को ये समझना है भावना कि मस्से ना काफी प्रकार के होते हैं. कुछ मस्से होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है, कुछ मस्से ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए, कुछ मस्से होते हैं जो दवाइयों से चले जाए. तो बिना देखे हम आपको इस चीज के बारे में नहीं बता पाएंगे कि उसका क्या करना चाहिए. तो एनी टाइम व्हेनेवर यू आर फ्री प्लीज लेट मी नो, आप मुझे दिखाएं. ओके डॉक्टर. हेलो सर, बट मस्सों को इग्नोर नहीं करें. जैसा कि मैंने बताया कुछ मस्से होते हैं जो फैलते हैं एक से दूसरे में. हाँ जी, कहीं ग्रुप में भी है, जैसे एक के साथ दूसरा हो गया है, कोई अलग अलग जगह पे है, कोई ज्यादा लटक भी गया है, ऐसे मस्से भी हो रहे हैं. तो उन सब चीजों को अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए मैडम, इसके लिए आपको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग खुशी. सर मैं ये पूछ रही हूँ कि स्किन कैंसर कैसे सही किया जा सकता है. Could you repeat your question, Kushi? Skin cancer. नहीं समझ में आया Kushi. Sir, हर question is related to skin cancer, sir. Skin cancer. Yes, sir. हाँ जी sir. Skin cancer. गुड़िया now again. Skin cancer बहुत type के होते हैं. Can you specify कि कौन सा skin cancer के बारे में आप बात कर रहे हैं और किस area में है? Sir, red color के. हाँ. Sir, red color के skin पे. नहीं गुड़िया, आई कुड नॉट गेट यू, प्लीज रिपीट. सर रेड कलर की वो है, मस्से टाइप. सो डोंट कॉल इट कैंसर गुड़िया, दोस आर कॉल्ड स्किन टैग्स. ओके सर. हां स्किन टैग्स इजीली रिमूवेबल होते हैं गुड़िया, इलेक्ट्रिक कॉटरी बोलते हैं. एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, बिना पेन के होता है, बिना ब्लीडिंग के होता है, दैट कैन बी इजीली रिमूव. ओके सर. ये उनको ज्यादा होता है गुड़िया जो थोड़े से ओवरवेट हो. ओके सर, थैंक यू सर. वेट रिड्यूस करें और अगर बहुत ज्यादा है तो किसी भी डॉक्टर से वो निकलवा दें. ओके सर, एलर्जी हो जाती है, रेड रेड कलर की डॉट्स सी हो जाती है और वो ठीक नहीं होते, और ठीक होते तो दोबारा हो जाते हैं. कहाँ पर होते हैं भैया? थाइस के साइड में. अच्छा, उसको हम फंगस बोलते हैं गुड़िया. ठीक है, फंगस उनको ज्यादा होता है जो थोड़े साफ सफाई की कमी रखते हैं, खुले खुले कपड़े पहने. वो ठीक हो जाती है लेकिन फिर वो दोबारा हो जाती है. बढ़िया, ठीक नहीं होते हैं. आप ट्यूब प्रयोग कर रहे होंगे मेडिकल से खरीद के, जिससे वो एक बार दब जाते हैं. ट्रीटमेंट लिया था उसका लाइक 4 to 6 months तक, बट फिर वो ठीक हो गए थे लेकिन अब वो दोबारा होने लग गए. ठीक है गुड़िया, इसका हम टेम्पररी आपको ये बताते हैं कि अपना साबुन अपना टावल सब अलग रखेंगे गुड़िया.
खुले खुले कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे ताकि हवा ना लगे, ये पसीने से होने वाली चीज है, ठीक है। मेडिकल के ट्रीटमेंट के बारे में हम ऐसे नहीं कह पाएंगे, आपको डॉक्टर से एडवाइस देना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो, यस यस शकुंतला जी, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. I want to ask you, sir, that what is the reason of breakage of hair from the middle of the lint? I could not get you, madam. Can you repeat your question, please? Yeah, yeah, sure, sir. I want to ask that what is the reason of breakage of hair from the middle of the lint? Breakage of hair? Yeah, yeah, sir. Beech mein se jo baal toot jaate hain, uska reason kya hai? जी मैडम, इसका एक ही रीजन न्यूट्रिशनल, व्हाट आई फील, अगर हेयर बीच में टूट रहे हैं तो यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रहा है, यानी खाने पीने की कमी, हरी सब्जियां, नींबू, आंवला, टमाटर, यानी अपनी डाइट में डेफिशिएंट हो रहा है। तो हम उन पेशेंट को ऐसा कहते हैं कि अपने खाने पीने में ध्यान दें, हरी सब्जियां, नींबू, आंवला, टमाटर डाइट में ज्यादा लें, दूध दही लस्सी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, ऑयली और स्पाइसी कम रखें, हफ्ते में 2 बार नारियल तेल की मालिश करें। Okay, sir. Is there anything could be added to coconut oil so that it can be... We don't recommend. We recommend only coconut oil, not to be mixed with anything. Oh, sir. So nowadays, vitamin E has been recommended to be added with coconut oil. Is it okay? We generally don't recommend. We should not, we should not be using any medicine except coconut oil. Okay, okay, sir. If vitamin E add bhi karna hai, so it has to be recommended by doctor. Okay, sir. Okay. One thing more to ask you, sir. Thank you. Just a minute, Nisha ma'am. Okay. Thank you, Nisha ma'am. Sir, actually, I want to ask that I have got an itching problem in my fingers of hand. Okay. Right hand, left hand. Which used to both the hands, sir. I don't know what is the reason. Is it because of water or any soap or detergent? Usually it used to happen in every 3 years. It stays for certain time and after some time it vanishes out. So what is the reason of that? Madam, what's your age, madam? It is, sir, 38. 38. So it is very common for housewives, madam. Kyunki aap logon ke haath baar baar detergent mein, paani mein jaate rehte. We call it household eczema, madam. तो उसके बचाव के लिए व्हाट वी रेकमेंड इज दस्ताने पहन के काम करें मैडम। आई यूज्ड टू डू सर, आई यूज्ड टू वेयर द ग्लव ड्यूरिंग इट। कीजिए और बहुत सारा नारियल तेल की मालिश करें मैडम। या आई गो फॉर दैट सर, बट स्टिल इट हैपेंस। स्टिल इफ इट इन रूटीन इट डजंट हैपन, बट मे बी इन 5 years और 3 years इन द साइकिल स्टिल कंटिन्यू। विंटर्स में ज्यादा होता होगा मैडम, विंटर्स में ज्यादा होता होगा। या या सर, इट इज इन विंटर मैडम। ये एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है कि आपकी स्किन सूखी है, कमजोर है। कमजोर चमड़ी पे कुछ भी पानी, धूल मिट्टी लगते साथ वो एक्जिमा बन जाता है। तो आपको अपनी चमड़ी मजबूत करनी है। चमड़ी कैसे मजबूत होगी? नारियल तेल की मालिश से, ऑलिव ऑयल की मालिश से, दस्ताने पहन। ओके सर, ये मतलब इतनी प्रॉब्लम हो जाती है फिंगर्स में कि इट लीड्स टू ब्लीडिंग आल्सो? तो यस मैडम, अगर इतना है तो आपको मेडिकल एडवाइस इमीडिएटली लेना चाहिए। एंड आई हैव टेकन दैट आल्सो सर, बट मतलब जैसे अब तो इन रूटीन इट डजंट हैपन, बट स्टिल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल में या 3 साल में मतलब वो साइकिल आ जाता है। ओके, रैशेस होके सर मतलब कट्स लग जाएंगे और देन समहाउ मतलब इट ब्लीड्स, नॉट वेरी मच बट वेरी लिटिल एंड इट पेन्स वेरी मच। आपके लिए हम यही रेकमेंड करेंगे मैडम कि ग्लव्स पहने, सोप डिटर्जेंट से जितना बचाव हो उतना करें, और लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर हो, वैसलीन बॉडी लोशन हो, वैसलीन पेट्रोलियम जेली हो, या कोकोनट ऑयल हो, जो भी हो, आपको बहुत सारा मात्रा में प्रयोग करना है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर एडवाइस। हेलो सर, आई वांट टू आस्क अबाउट व्हाट इज मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो सर, डिड यू हियर? यस सर, आई वांट टू सर एक क्वेश्चन है।
हेलो मैडम नहीं समझ में आया सर एक क्वेश्चन है किसी की तरफ से यस प्लीज 25 इयर्स का मतलब मेल है मतलब बॉय है उसके फेस पर जो है पिंपल्स हो जाते हैं रेड कलर के और बाद में वो ब्लैक कलर के निशान में बदल जाते हैं जी जैसे कि हमने मैडम पहले ही बताया आपको पिंपल्स तो 25 इयर्स की एज में आना ही है बट उसको टच करके हम निशान बना लेते हैं पिंपल्स तो आएगा जाएगा पर उसको टच ना करें मैडम टच करने से निशान रहता है जब भी पिंपल्स आए अपने डॉक्टर से एडवाइस लें मेडिसिन लें वो बैठ जाएगा ओके सर ओके जी और सुबह शाम रूटीन अपना चेहरा साफ करें मिनिमम कॉस्मेटिक यूज करना चाहिए ओके सर हेलो गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून जी सर दिस इज दीक्षा यस दीक्षा जी सर एज यू सेड दैट इफ वी टच आवर फेस द पिंपल्स टर्न इनटू मार्क्स यस 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 तो अब सब मार्क्स बन गए व्हाट शुड वी डू टू रिमूव द मार्क्स बट नाउ क्वेश्चन इज अभी भी पिंपल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे सर वो तो रेगुलर है वो तो इस एज का हम क्या रेकमेंड करते हैं दीक्षा जब तक आपके पिंपल्स आ रहे हैं हम मार्क्स की मेडिसिन नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं क्योंकि मार्क्स की मेडिसिन अगर पिंपल्स पे लगेगी तो पिंपल्स और दाग निशान छोड़ेंगे you got it Yeah, sir, I got that. But what I'm asking is कि pimples तो sir regular आएंगे. जिन pimples को touch कर दिया, वो marks छोड़ चुके हैं. Pimples regular नहीं आएंगे गुड़िया. What's your age right now? I'm 18. You're 18. So pimples next 2-3 years आएंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे. फिर आपको marks का treatment लेना चाहिए. Okay, sir. Right now you should go for pimples treatment. अगर बहुत ज़्यादा pimples है, तो आपको medicines लेनी चाहिए गुड़िया. नहीं सर इतने नहीं है दैट्स लाइक 1 और 2 तो इसको टच ना करें और कोई अच्छा फेस वॉश सुबह शाम यूज करें पानी ज्यादा पिएं हरी सब्जी ज्यादा खाएं ऑयली स्पाइसी चीज थोड़ा सा अवॉइड करें ओके सर जी थैंक यू सर थैंक यू दीक्षा यस गुड आफ्टरनून जी सर आई वांट टू आस्क व्हाट इज स्कैबीज आई कुड नॉट गेट यू गुड़िया रिपीट व्हाट इज स्कैबीज स्कैबीज आर यू टॉकिंग अबाउट स्कैबीज Yes, so yes, right. Yes, scabies is a very communicable disease, Gudiya. It is caused by a mite called Sarcoptes scabies. ये touch से फैलता है, एक से दूसरे के touch से फैलता है. ये उनमें ज़्यादा common होता है, Gudiya, कि जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ रह रहे हों, जो थोड़ा सा hygiene maintain कर ना कर पा रहे हों, तो scabies के लिए immediately doctor की help लेनी चाहिए. दूसरी चीज़, scabies से बचाव करने के लिए अपना साबुन, अपना towel, अपना बिस्तर सब अलग रखना चाहिए. अपना साबुन टावल बिस्तर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए रोज नहाना चाहिए आज जो कपड़े पहने हैं अगले दिन बदलने चाहिए कपड़े हमेशा धोने चाहिए और हमेशा आयरन होने चाहिए कपड़ों को हमेशा आयरन करके ही डालना चाहिए okay, sir, thank you. बहुत सारा कंडीशन होता है बहुत सीवियर इचिंग होती है इसमें गुड़िया रात को बहुत ज्यादा खुजली होती है yes, sir, the same problem I am facing, the itching problem at the night. Yes, गुड़िया, then do come to me anytime, whenever you have time. Okay, sir. One, by that time, you avoid soap, detergent, किसी से भी share करना, soap, towel, अपना सब अलग रखें. Can I use the milk? Yes, Gudiya, why not? Okay, sir, thank you. Okay, thank you. Next Hello, question, sir. Please. Hello, sir, I'm Sonia. Hello. Sir. Sir, मैं Sonia बोल रही हूँ, Sonia Malik. Yes, madam. हाँ जी, sir. Sir, मेरे बेटा है 9 years का. उसके डेंड्रफ बहुत ज्यादा है सर बचपन से ही स्टार्टिंग से उसके डेंड्रफ और काफी सारे मैं डेंड्रफ कोई बीमारी नहीं है ये चमड़ी का सूखापन है किसी किसी की चमड़ी ज्यादा सूखी रहती है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा बनता है तो सूखी चमड़ी को अपने को नरम बनाना है नरम कैसे बनेगा मैडम हल्की साबुन जैसे अपने डव या पियर जो नॉर्मल सोप होता है ना मैडम तो थोड़ा सा लाइट सोप वो यूज करना चाहिए और बहुत सारा कोकोनट ऑयल दिन में 2-3 बार कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए जी सर अगर उससे भी इम्प्रूव ना हो तो फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए ठीक है थैंक यू सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट जो हमारे बाल टूट हमारे जैसे नॉर्मल एज होती है पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे अब बहुत टूटने लग गए हैं ठीक है गुड़िया आई डोंट नो व्हाई बट बहुत टूटने लगे और मेरी डाइट वही सेम है
गुड़िया व्हाट आई फील डाइट में पक्का ही कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, हरी सब्जियां, नींबू, आंवला, टमाटर, अनार आपने कम लिया होगा अपने डाइट में। सर बीच में मुझे एक सर मुझे बीच में एक प्रॉब्लम हुई थी, मुझे जॉन्डिस हुआ था। यस यस यस। और सर मुझे मेरे ना अभी मेरी एज 18 है और मेरे वाइट बाल बहुत है। ओके, आई डोंट नो व्हाई। ये दोनों चीजें एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि गुड़िया आपको न्यूट्रिशन कम मिला है। न्यूट्रिशन कम मिला है तो अपने दूध दही लस्सी डाइट में एक्स्ट्रा दें, हरी सब्जियां, नींबू, आंवला, टमाटर, अनार थोड़ा सा डाइट में ज्यादा दें। ऑयली स्पाइसी चाय थोड़ा सा अवॉइड करें गुड़िया। क्या सर क्या अवॉइड करना है? क्या ऑयली स्पाइसी और टी चाय। ओके सर। और सर मुझे एक और पूछना है, जैसे हमारे जो व्हाइट बाल है वो हमारे व्हाइट बाल मतलब कैसे ब्लैक हो सकते हैं? जैसे हमारे व्हाइट बाल बाल है ना एक्चुअली बहुत मतलब हाफ व्हाइट है और हाफ ब्लैक है। जी गुड़िया यही इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रिशन की कमी है, जो व्हाइट हेयर्स हो गए उसको ब्लैक नहीं किया जा सकता गुड़िया, आगे के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है अच्छी डाइट लेके। मतलब जो हमारा नेक अगर हम ऐसी डाइट ले तो हमारे जो जो आगे बाल आएंगे वो हमारे ब्लैक आएंगे, वो ब्लैक आएंगे। अगर फिर भी ना हो तो फिर आप डॉक्टर की हेल्प लें। ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जो हमारे फेस पे मस होते हैं, जो मोटे होते हैं और होते हैं, वो हमारे उसके मार्क्स हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाँ बढ़िया, इसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता पाएंगे हम आपको। ओके सर। और व्हाट अबाउट तिल, जो हमारे फेस पे जैसे कई बार क्या होता है कि जो तिल होते हैं वो अपने आप आ भी जाते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं और वो बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा है गुड़िया तिल के फेस पे। वो गॉड्स के गॉड का गिफ्ट होता है, गॉड अपने आप देता है और अपने आप लेके जाता है, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है सर। लेकिन काफी ज्यादा होते हैं जो नहीं गुड़िया और परमानेंट नहीं रहते, जैसे कभी भी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी ज्यादा टाइम के लिए आते हैं। अगर ऐसा मुझे ऐसा कुछ भी हो तो दिखाएंगे एक बार। ओके सर। थैंक यू गुड़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर व्हाट वी डू फॉर रफ एंड ड्राई हेयर? आई कुड नॉट गेट यू गुड़िया। सर व्हाट वी डू फॉर रफ एंड ड्राई हेयर? उसके लिए जैसे हमने बताया गुड़िया, या तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल की अच्छी तरह मालिश करें हफ्ते में दो बार। ओके सर। कोई शैम्पू या फिर कुछ शैम्पू व्हाट वी रिकमेंड गुड़िया? हल्का शैम्पू जैसे डव, डव वाला शैम्पू वी रिकमेंड, कि उसमें पीएच कम होता है गुड़िया, जिसमें हेयर डैमेज कम होता है। यस सर आई यूज डव शैम्पू एंड। यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रुति। सर मेरे बैक पे बहुत सारे काले दाने हैं, मेरे भी हैं और मेरे ब्रदर के भी हैं। कहां पर? और बहुत टाइम से है। कहां पर? बैक पे, कमर पे। कमर पे गुड़िया, एज इट इज आज अभी आप कितनी एज के हो? 18। और आपके ब्रदर कितने साल के हैं? 17। हाँ गुड़िया, जैसे कि हमने पहले ही भी बताया इस एज में पिंपल्स कॉमन होता है। पिंपल्स तीन जगह होता है गुड़िया, या तो फेस पे हो सकता है, या बैक पे हो सकता है, या आगे चेस्ट पे हो सकता है। सब पूरी बैक पे है, पूरी बैक। बैक पे। तो आप गर्मी में पसीने में ज्यादा रहते होंगे गुड़िया, खुले खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ठीक है, और पानी ज्यादा मात्रा में लें। अगर इससे भी ठीक नहीं होता फिर डॉक्टर की हेल्प लें, ठीक है गुड़िया। पर खुले खुले कपड़े पहनने जरूरी है, कॉटन के कपड़े पहनने जरूरी है, ताकि पसीना सूखे, हवा घुसे पसीना सूखे। ओके गुड़िया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next question, please. I want to ask again a question. Yes, please. If I have an itching in the scalp, what should I do? Use simple coconut oil. Okay. I have so much itching in the scalp and it gets very much dry after a bath. ठीक है तो गुड़िया, do you use any hair oil? Only coconut oil and very few days. Could not get you, गुड़िया. Very little I use that. No, Gudiya, you should use in a very good amount. Okay. Ji. And which soap do I use? I have very, very dry skin. We generally recommend Dove or PS. Okay. Okay. Thank Next you, question. Hello, sir. Hello. Sir, मैं
मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ कि जो पिंपल्स होते हैं वो किस एज से किस एज के बीच में होते हैं? इट डिपेंड्स, लाइक 13 इयर्स से लेके 25-26 इयर्स तक तंग कर सकते हैं। ओके, तो सर इनको अगर ऑयली स्किन है तो हमें कैसा फेस वॉश यूज करना चाहिए या फिर ड्राई स्किन है तो कैसा? जैसे ड्राई स्किन हो तो वी रिकमेंड डव, अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो गुड़िया हिमालय का नीम फेस वॉश आता है, दैट इज वेरी गुड। सर मेरी ऑयली स्किन है तो मैं कौन सा यूज? हिमालय का नीम फेस वॉश यूज करेंगे गुड़िया, दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क सर्कल के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डार्क सर्कल का सबसे पहले कारण गुड़िया, यानी डार्क सर्कल जिसको भी है उसका इंडिकेटर यही, उसको एडिक्वेट स्लीप नहीं मिल रहा है, तो दिन में 7-8 घंटे का सोना, थोड़ा सा रिलैक्स रहना। Secondly, it is related to stress. So, थोड़ा सा stress level अपने life में कम करना। Okay. Next question, please. Hello. Hello. Sir, कुछ खाने पीने के बाद ना शरीर पे रेड दाग फट से पड़ जाते हैं। I cannot get you, गुड़िया। फिर से बताएं। कुछ खाने पीने के बाद शरीर पे दाग फट पड़ जाते हैं, रेड से मार्क हो जाते हैं मोटे मोटे। मोटे मोटे, ठीक है। वो कितनी देर में ठीक हो जाते हैं गुड़िया? वो रहते हैं नाइट तक, मॉर्निंग तक, मतलब 12-14 आवर्स तक रहते हैं वो। उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं गुड़िया। क्या करना चाहिए सर हमें इसके लिए? ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाहिए? नहीं, उसके लिए ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए गुड़िया। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलके प्रॉपर जांच वगैरह करा के अच्छी तरह ट्रीटमेंट लेना चाहिए उसके लिए। अच्छा, एलर्जी की प्रॉब्लम है इसमें भी कुछ? यस, इट इज एलर्जी, खून की एलर्जी होती है गुड़िया, थोड़े से लंबे टाइम तक तंग करती है वो। सर कुछ खाने पीने के बाद ही होता है ऐसा इशू, वरना नॉर्मल रहती है। कि मुझे इस खाने के बाद हुआ है तो वो खाना अवॉइड करें, अदरवाइज जैसे चीज वगैरह हो गए उनके बाद ज्यादा इशू होता है इसके। ठीक है गुड़िया, इसके लिए आप जो जो आपको लगता हो डाइट में इस कारण से हुए उसको अवॉइड करें डाइट से। और कोई एनी प्रिकॉशन सर? नथिंग गुड़िया, मीट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सर। थैंक यू Next question, please. Hello, sir ji, namaskar. Namaste ji, namaste. जी वो मेरे मुंह पे ना सूजन आ जाती है सर जी, वो सूजन, ठीक है, दफड़ दफड़ भी हो जाते हैं बॉडी में? हाँ हो जाते हैं जी। जी ये इसका मतलब यही है कि मैडम आपकी खून में एलर्जी है? हाँ जी। डेली होते हैं, हफ्ते में एक बार होता है, दो बार होता है? दो तीन बार हो जाता है जी। दो तीन बार हो जाता है, तो मैडम इसके लिए कुछ कुछ रिपोर्ट्स होती है जो करवानी होती है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जल्द से जल्द मिले। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। सर मेरी मम्मा है, उनकी आईज पे ना एक वाइट जैसे वाइट कलर का दाग है, वो एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। ऐसा होता है गुड़िया, बहुत सारी चीजें होती है जो बिना देखे हम कमेंट नहीं कर पाते हैं। Okay, so sir. I have to see and then would like to comment on it. Okay, sir. Thank you. Next question, please. Sir, मेरी मम्मा के स्किन पे ना यहाँ पे आईज के नीचे छाया हो गई है। ठीक है। वो mostly ladies को होती है, वो किस वजह से होती है? बढ़िया, जैसे हमने पहले शुरू में ही बताया कि छाया किसी किसी की चमड़ी धूप से लड़ने में कमजोर होती है, तो अपने बचाव में वो काला करती है, तो जब भी बाहर धूप में जाएं, चेहरा ढक के जाएं, अच्छा सनस्क्रीन प्रयोग करें, छाता और टोपी वगैरह प्रयोग करें, और उससे भी अगर कंट्रोल ना हो तो फिर अपने डॉक्टर की हेल्प। वो ना जिसे मेरा भाई हुआ था उसके बाद मम्मी को ये सब हो गए ऐसे ना, अभी विंटर सीजन में तो ऐसे जब सर्दियां आती है तो मम्मी जैसे धूप वगैरह में बैठने से वो ज्यादा डार्क लगती है, उससे स्किन भी बहुत ज्यादा डल हो जाती है। उसके लिए एक बार डॉक्टर से हेल्प लें भैया। अभी टेम्परेरीली सनस्क्रीन, बहुत अच्छा सनस्क्रीन यूज करें, धूप में जाने से पहले चेहरा ढक के रखें, टोपी वगैरह यूज करें। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो गुड़िया। हेलो सर, पिगमेंटेशन हो गई है उसके बाद क्या करना चाहिए? आई कुड नॉट गेट यू, प्लीज। सर पिगमेंटेशन हो गई है फिर उसके बाद क्या करें उसको? मतलब मार्क हो गया। ज्यादा हो, कितनी ज्यादा है सर? 2 सेंटीमीटर का मार्क लगा लीजिए, 2-3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने बताया सनस्क्रीन वगैरह यूज करना है, और लॉट्स ऑफ विटामिन सी जैसे लेमन आंवला, ये थोड़ा सा डाइट में एक्स्ट्रा लें। ओके सर। बाहर जब भी जाए टोपी वगैरह यूज करके।
ओके थैंक यू सर। सर कुछ बच्चे हेलो हेलो आई एम निशा सर कुछ बच्चे कुछ पिगमेंटेशन की कोई क्रीम है सर कुछ ऐसी स्पेसिफिक जो बच्चे लगा सकते हैं। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। सर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पिगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए कोई क्रीम कोई ऑनमेंट हो सकता है। मैडम ऐसे है हम ऐसे क्रीम का नाम ऐसे बता नहीं पाएंगे बिना देखे क्योंकि हर हर इंडिविजुअल की स्किन अलग होती है। एक ही ट्यूब सब बच्चों में काम नहीं कर सकती है। ओके ओके सर जी। दूसरी बात बच्चे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि उनकी स्किन ड्राई है कि ऑयली है। वो मैडम इसी के लिए तो डॉक्टर हम बैठे होते हैं मैडम। हाँ नहीं डेफिनेटली एक्चुअली बच्चे पूछ रहे हैं तो जा रहे हैं कि आप एक बार थोड़ा सा अगर उनको बता पाए। ठीक है अगर आप नॉर्मल टेस्ट स्किन ऑयली है एक्चुअली आप सिंपल एक टिश्यू पेपर लें अपने फॉरहेड पे वाइप करें अगर उसमें अगर ब्लैकिश अगर कुछ इकट्ठा होता है तो आपकी स्किन ऑयली है अगर वो नॉर्मल रहता है तो यानी आपकी स्किन ड्राई है। ओके सर जी। और रेस्ट में सब बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगा कोई भी बच्चा अगर मुझसे मिलना चाहे तो अपना ये जो मैंने विजिटिंग कार्ड अपने ग्रुप में भेजा था वो आके मुझे दिखाएं फॉर फ्री कंसल्टेशन। जिनके क्वेश्चन मैं अभी आज नहीं ले पाया वो कभी भी मेरी क्लिनिक में आके मुझसे दिखा सकते हैं। ओके सर थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपको इस मतलब जो सन आप कह रहे हो कि हमें बाहर जाना हम जब बाहर जाए तो कोई सनस्क्रीन क्रीम वगैरह लगा के जाए आप तो आपको ये सजेस्ट करो व्हिच वाज द बेस्ट। ऐसा एसपीएफ सारे सनस्क्रीन बराबर होते हैं गुड़िया उसमें एसपीएफ होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोलते हैं एसपीएफ 15 नंबर का कोई भी यूज कर सकते हैं आप। हेलो सर कौन से नंबर का एसपीएफ 15 नंबर का 15। ओके सर ठीक है। सो आई वुड लाइक टू टेक अ लीव नाउ लॉट्स ऑफ पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर मी तो एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन कोई भी आके मुझसे पर्सनली मिलना चाहे तो प्लीज वो विजिटिंग कार्ड मुझे दिखा के यू कैन अवेल अ फ्री कंसल्टेशन। ओके सर जस्ट आई विल थैंक यू सर थैंक यू सो मच डिड यू हियर मी सर हेलो आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम My pleasure, madam. It was very nice interacting with small little girls. It was my pleasure to be a part of FC family. Definitely, sir. And would like to be a part of FC family again and again. Definitely, sir. Sure. Thank you. It's our pleasure to welcome you anytime, sir. And I hope that most of the students will feel relaxed. Thank you, madam. And would like to visit your college once everything is normalizes, madam. Definitely, sir. Jaise lockdown off hota hai, we definitely invite you to pleasure. Yes, madam. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank our respected principal ma'am, Dr. Anita Sharawat, for providing us such a golden opportunity. And I also thank once again to our respected eminent speaker, Dr. Anoop Goyal, for giving this valuable time for our student. And I also thanks to our HOD, Dr. Pushpa Gupta, and technical team members, Mrs. Sonia Malik, Mrs. Shakuntala Gupta, and all the participants who give their precious time to us. I hope we all many informative information from our sir. Thank you once again. Thank you, Sonia. Welcome, ma'am. Hello. Yes. Hello. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सबका बहुत अच्छे से गई मीटिंग अपनी थैंक यू मैम ये सभी स्टूडेंट्स सभी को फीडबैक लिंक मिल चुका है तो सभी अपना फीडबैक लिंक फिल करेंगे और आगे किसी को पास नहीं करेंगे जिन्होंने अटेंड की है मीटिंग सिर्फ वही फिल करेंगे।
गुड न्यूज है कि सर ने बोला है कि आप सभी को सर के पास एक विजिट पूरी तरह से फ्री है. जब भी आप लोग आए अपने डाउट्स के लिए सर के पास जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो विजिट आप लोगों के लिए. कार्ड आप लोगों ने ग्रुप में देख लिया होगा, अदरवाइज मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी. यस मैम, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच मैम.